पहले भेड़िए का खौफ, फिर बाघ और अब तेंदुए की दहशत। कानपुर में सीआर ने मचाई सनसनी, हरिद्वार में सड़क तक पहुंचा हाथियों का झुंड। एक तरफ बहराइच में भेड़ियों के खौफ से लोगों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग की टीमें दिन और रात जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां 5 हाथियों का झुंड हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके तक पहुंच गया। इन तस्वीरों को देखिए, एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 हाथी एक के बाद एक सड़क को पार करते दिख रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग भी मौजूद हैं। रात के वक्त सड़क पर ठीक ठाक चहल पहल भी है, लेकिन हाथियों को इस तरह सड़क पार करते देख दोनों तरफ का ट्रैफिक थम गया और जो लोग करीब थे वो सहम गए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीआर ने आतंक फैला रखा है। कानपुर के करीब एक गांव में सीआर ने लोगों पर हमला किया। 2 अलग अलग हमलों में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। रात के अंधेरे में सीआर के हमले की वजह से लोग खौफ में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में एक बाघ ने लोगों की नींद हराम कर दी। लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर तक एक बाघ की दहशत फैली है। इलाके के इमलियापुर गांव में पिछले एक महीने में बाघ ने 6 लोगों पर हमला किया है। कैमरे में कैद उसकी तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। हालांकि इस दौरान बहराइच में वन विभाग की टीम लगातार आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, अब तलाश है 6ठे भेड़िए की, जिसको अपने शिकंजे में फंसाने के लिए ड्रोन कैमरों से लेकर शार्प शूटर तक तैनात है। हालांकि 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद इलाके में दहशत कम हुई है, लेकिन अब अलग अलग शहरों में जंगली जानवरों का इस तरह खुलेआम आबादी वाले इलाकों तक पहुंचना चिंता का सबब बन रहा है।